इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही जटिल समस्या है हर एक ट्रेडर के लिए। तो जितने भी लोग ऑप्शन ग्रीक को सीखे हैं, ऑप्शन ग्रीक को सीखने के बाद ट्रेडिंग करे हैं, उनका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही अलग हो चुका है। जिन लोगों ने ऑप्शन ग्रीक के बारे में थोड़ा भी बहुत नॉलेज है, वो लोगों को पता है, और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरे देखें। जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो भी देखें इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को पूरा मालूम हो जाए ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स के साथ बात करेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके साथ बात करेंगे उसका एडवांटेज क्या है, एंड उससे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम बात ऑप्शन ग्रीक्स की करते हैं, तब हमको पता नहीं होता है हमको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस वीडियो का, कि क्या क्या हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जैसे हमने बताया उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन ये काम कैसे करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम एक चीज़ को अगर नोटिस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या है। एक्चुअली हम जब भी ऑप्शन बाय करते हैं या सेल करते हैं, हम सिर्फ कुछ प्रीमियम को बाय एंड सेल नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारे चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है, जो हमको पता नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए कोई भी ऑप्शन अगर खरीद रहे हैं तो हम क्या क्या खरीद रहे हैं। अगर ऑप्शन ग्रीक्स यहाँ पर बता रहा है कि डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो, ये जो पाँच प्रोडक्ट्स हैं, ये पाँचों प्रोडक्ट्स को हम खरीद रहे हैं। अगर कोई भी ऑप्शन अगर हम खरीद रहे हैं, मान के चलिए कोई भी प्रीमियम, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, अगर मान के चलो कोई एक स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 90,000 का, ठीक है, और उसका प्रीमियम आप मान के चलो कि 190 रुपये में आपने खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप प्रीमियम जो 190 है, अगर एट द मनी भी है, तो भी आपको यहाँ पे डेल्टा डेल्टा गामा थीटा वेगा एंड रो, इन सारे चीज़ों को आप खरीद रहे हो। तो इसमें ये जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो एक्चुअली चेंजेस कैसे होता है, वो भी इसी वजह से होते हैं। अब वो एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे, कि ये जो प्रीमियम है वो किन वजह से चलते हैं। अगर स्ट्राइक स्ट्राइक स्पॉट टाइम रो एंड वॉलेटिलिटी अगर चेंजेस ना हो, तो आपका ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो भी चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शंस का प्रीमियम तब भी चेंज होगा अगर आपका स्ट्राइक प्राइस, आपका स्पॉट अगर चेंज होगा तो, टाइम चेंज होगा तो, रो चेंज होगा तो, वॉलेटिलिटी चेंज होगा तो। इस वीडियो में हम ज़्यादा बात करेंगे डेल्टा के ऊपर, ठीक है। ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ग्रीक्स का मेन पार्ट जो है वो सारे चीज़ों को मिलकर होते हैं। फिर भी आज की वीडियो में डेल्टा की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं अगर ये स्ट्राइक स्पॉट टाइम रो एंड वॉलेटिलिटी अगर चेंज नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम भी चेंजेस नहीं होगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आते हैं, कितना चेंज होने पे कितना चेंज होगा। अगर कोई भी ऑप्शंस का प्रीमियम हमको बाय करना है, मान के चलिए निफ्टी चल रहा है 19,000 का, ठीक है, 19,000 का निफ्टी है, और वहाँ पे निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हमारा जो प्रीमियम है वो कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, वो आता है मेन क्वेश्चन। क्योंकि अगर वो आपको पता चल जाएगा ना, तो आपका ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सारे खेल हैं, आपको पहले से मालूम होना चाहिए आप जो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने पर आपको कितना मुनाफा होगा एंड कितना नुकसान होगा। तो स्ट्राइक प्राइस अगर मेन है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन अगर गलत है, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते मार्केट में, ठीक है। प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में बने रहना, ठीक है, जो आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये जो डेल्टा है वो डेल्टा आप कहाँ पे देखोगे, ठीक है। नॉर्मली लोगों को पता नहीं है डेल्टा कहाँ देखना, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा डेल्टा को आपको कहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइंग एसेट जो भी अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी है, उसको अंडरलाइंग एसेट कहा जाता है, स्पॉट कहा जाता है, वो कितना चेंज होने पर ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंजेस होगा। तो उसको जानने से पहले आपको जानना होगा डेल्टा दोनों में ही होता है, सी ई साइड में भी डेल्टा होता है, पी ई साइड में भी डेल्टा होते हैं। सी ई साइड का जो डेल्टा है जो 0 to 1 होता है, एंड पी ई साइड का डेल्टा होता है 0 to -1। बस आपको ये दिमाग में रखना है, आप लिख लो पेपर पेन एंड पेपर लेके, ठीक है। तो सी ई साइड का डेल्टा जो है 0 to 1 है, एंड पी ई साइड का डेल्टा 0 to -1 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन चीज, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा अभी कितना चेंज होने पे कितना होगा। तो अगर मान के चलो आपने एक सीई बाय किया, ठीक है, जिसका डेल्टा 0.45 है, ठीक है, कोई भी आपने एक प्रीमियम उठाया, कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठाया, आप 19,000 अगर निफ्टी चल रहा है, अगर 19,000 का उठाओ, 19,100 हो, 19,200 हो, जो भी आपने, उसका डेल्टा अगर 0.45 है, तो आपका निफ्टी का लॉट साइज 50 है, तो आपका डेल्टा 0.45 है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 22.5, ठीक है। तो ये 22.5 जो है वही आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यानी निफ्टी अगर एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका 22 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, और एक पॉइंट नीचे जाएगा तो 22 पॉइंट का नुकसान होगा, ठीक है। तो ये 22 पॉइंट कैसे निकल के आया, आपको पहले से मालूम है जो डेल्टा 0.45 है और उसको निफ्टी की लॉट साइज से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये रिजल्ट आया। वो आप बैंक निफ्टी के साथ कर सकते हो, बैंक निफ्टी करोगे तो उसका लॉट साइज से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी
आप कैसे बोल सकते हो आपका प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा, वो डेल्टा को देख के। अब डेल्टा कहाँ पे देखोगे वो तो लास्ट में मतलब हो जाएगा आपका, वीडियो तक बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, आपको क्या करना है, बस आपको डेल्टा देखना है। जो भी आप प्रीमियम जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करो वो डेल्टा देख के आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि कितना रिस्क आप लेने वाले हो आपको पता है, तो उस हिसाब से डेल्टा को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जितना डेल्टा सिलेक्ट करोगे मार्केट उतना आपको प्रॉफिट देगा, जितना डेल्टा आप नीचे का सिलेक्ट करो उतना प्रॉफिट कम देगा। अगर ये डेल्टा 0.45 ना हो गया, अगर जीरो अगर मान के चलो अगर डायरेक्टली 1 होता तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होता, यानी आपका क्या होता, निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाने पे आपका 50 रुपया का प्रॉफिट होता या नीचे जाने पे 50 रुपया का नुकसान होता। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ पी की साइड भी होगा, अगर यहाँ पे ठीक है डेल्टा यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो अगर डेल्टा आपका जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, डेल्टा जितना नीचे क्योंकि और पीई साइड डेल्टा जितना नीचे होगा प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको यहाँ पे समझाया डेल्टा को कैसे देखना है। ठीक है, तो डेल्टा को बस इसी तरीके से आपको देख के ट्रेड करना है। तो उसके साथ आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मान के चलो एक सीई जिसका डेल्टा 0.50 है, ठीक है, तो 0.50 से हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, निफ्टी का 50 से। ठीक है, तो 50 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या निकाल के आएगा, 25 रुपया, यानी निफ्टी अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 25 रुपये का फ़ायदा होगा, निफ्टी अगर 1 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपको 25 रुपये का नुकसान होगा। वही चीज़ अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 2500 का प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएगा तो 2500 का नुकसान होगा। तो वही चीज़ आप पी ई साइड में भी देख सकते हो, पी ई साइड में भी सेम है, यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं -1 में है तो आपको इंटू क्या करना है, 50 करना है। ठीक है, क्योंकि पी ई सेट का आपको पता है ये सारी चीज़ उल्टा चलता है, तो यह निफ्टी अगर डेल्टा अगर आप 1 का सिलेक्ट करोगे तो आप 50 पॉइंट, निफ्टी अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 50 रुपये का फ़ायदा होगा, 1 पॉइंट नीचे जाएगा तो 50 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर डेल्टा आपको आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप वो डेल्टा को सिलेक्ट करो जो सबसे कम है, यानी 0.10। ठीक है, 0.10, तो अगर निफ्टी 0.10 को सिलेक्ट करोगे आप 50 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे 50 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दो 50 × 0.1, यानी 5 रुपया। अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट और नीचे जाएगा तो 5 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 5 रुपये का नुकसान प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो 5 रुपये का घाटा होगा। वही चीज़ उल्टा पुट में जाएंगे तो अगर आप 0.10 का डेल्टा आप अगर सिलेक्ट करोगे, ये जो डेल्टा है 0.10 माइनस का, तो वो सिलेक्ट करोगे तो उसको भी 50 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यानी निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपको 500 रुपये का फ़ायदा होगा, निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको 500 रुपये का घाटा होगा। तो बहुत ही आसान है। अब बात कर लेते हैं, आप ये जो प्रीमियम हम देखते हैं उसके साथ हम डेल्टा को कहाँ पे देखें, तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब डेल्टा को देखने के लिए आपको धन का ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो है उसमें फ्री है, वैसे भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो जो फ्री है मैं वही उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं देखता हूँ वो उसका बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो धन एक ट्रेडिंग धन में ट्रेडिंग अकाउंट जिसका है वो तो देख सकते हो, जिसका नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में क्लिक करके आप धन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लो तो आप आराम से देख सकते हो। बस आपको क्या करना है, धन का ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करके निफ्टी 50 का एंड बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेना है। तो जिसको आपको देखना है उसका चार्ट ओपन कर लेना है, जैसे निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन किया, बैंक निफ्टी का भी ओपन किया, मैं दोनों दिखा देता हूँ। जैसे आप निफ्टी 50 में क्लिक करोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन चेन आएगा, यहाँ पर ऑप्शन चेन पर क्लिक करना है तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइड में आपको यहाँ पर डेल्टा दिखाता है, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा नजर आएगा। तो अगर आपको नहीं दिखता है डेल्टा यहाँ पर, तो आप बस इस बटन में क्लिक करो इसको, और देखो ऑफ हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये ऑफ के पोर्शन पे आपको नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पे जाकर ऑन कर देना है डेल्टा को। ठीक है, ये देखो मैंने डेल्टा को ऑन कर दिया और मेरे यहाँ पे डेल्टा नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है वो डेल्टा देख के आपको सिलेक्ट करना है। आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा डेल्टा लो, आपको कम प्रॉफिट चाहिए तो कम डेल्टा लो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 19,100 का डेल्टा 0.45 है, तो 18,800 का डेल्टा 0.81 है, तो आपको कौन सा डेल्टा चाहिए उस हिसाब से आप लोग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके पास पैसा कितना है, आपको प्रॉफिट कितना चाहिए एंड लॉस कितना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना अपना डेल्टा सिलेक्ट करो। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि निफ्टी इतना ऊपर हो गया मेरा तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मेरा तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने उसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट नहीं किया जो स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो आप डेल्टा देख के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो। और बैंक निफ्टी का देखना है सेम, बैंक निफ्टी में जाके अपना क्लिक करना है एंड वहाँ पर ऑप्शन चेन पर क्लिक करना है। ये देखो आ गया नज़र, 42,600 पुट का डेल्टा 0.36, देन 43,000 कॉल का डेल्टा 0.38, एट द मनी का 0.56, यहाँ पे 42,700 0.42, एंड सबसे ज़्यादा देखिए
दमानी का है 41,800.8586, ये देखिए नज़र आ जाएगा। तो आप अपना अपना अकाउंट ओपन कर लो धन में, जिसके पास धन का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जाके ओपन कर लेना, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है आपको अगर आप इस लिंक से क्लिक करके ओपन करते हैं तो। सो थैंक यू, मिलते हैं बाकी सारे जो पार्ट बाकी है हमारा, गामा थीटा वेगा रो, उसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। वीडियो लेट आता है बट आने के बाद ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रेडर जौहर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए।